सूर्य सिद्धांत के प्रचलित इस विचार विमर्श में आज हम चौथे भाग में हैं। इस चौथे भाग में हम मध्यमाधिकार के 18, 19 और 20 इन तीन श्लोकों पर ध्यान देंगे। मयासुर के द्वारा तपस्या करने के बाद सूर्य का दर्शन देना, सूर्यांश पुरुष को नियुक्त करना, फिर सूर्यांश पुरुष के द्वारा इस शास्त्र के बारे में बताना और दो प्रकार के काल का विमर्श, फिर उसके बाद नक्षत्र होरात्र, चांद्र तिथि, सौर मास, दिव्य वर्ष इत्यादि विवरण हम अब तक देखे हैं। फिर दिव्य वर्षों के बाद बात आई थी महायुग का, फिर महायुग में चार युगों का और उनका जो मान, उनके जो संधि इत्यादि पर हम विचार विमर्श किए थे पिछले तीन भागों में। इस भाग में मनु का प्रमाण, फिर ब्रह्मा जी का आयु से संबंधित जो तीन श्लोक हैं उन पर विचार करेंगे। सभी जानते हैं 14 मनु हैं और इस समय में वैवस्वत मनु का अंतर चल रहा है, अंतर कालखंड। 18वें श्लोक में आचार्य का वक्तव्य है, युगानां सप्ततिस्सैका मन्वंतरमिहोत्यते कृतार्थ संख्यस्तस्यान्ते संधिः प्रोक्तो जलप्लवः। इसके पहले संधियां बताए थे किंतु उन संधियों में और यहाँ की संधि में कुछ अंतर है। युगानां सप्तति ही सैका, युगों के सप्तति एक सहित, यानी 70 एक के साथ, यानी 71। यहाँ पर भी ध्यातव्य यही है, आचार्य सप्तति ही सैका क्यों कह रहा है, कोई उसमें विशेष बात नहीं है। छंद के लिए, पाद पूरण के लिए उन्होंने 71 को ऐसे अलग से बताया। युगानां सप्तति सैका तो क्या होगा, 71 महायुगों का मन्वंतरम यह उच्यते, एक मनु का अंतर बतलाता है, यानी एक मनु का अंतर यानी समय कितने का होगा, 71 महायुगों का होगा। महायुग हम पहले ही देखे हैं 12,000 दिव्य वर्षों का। कृताब्द संख्या तस्यांते, कृताब्द संख्या, कृत का जो अब्द संख्या है, माने कृतयुग का जो अब्द संख्या, जो 4800 दिव्य वर्ष, ये क्या होगा, कृताब्द संख्या तस्यांते संधि ही प्रोक्ता, संधि बताया है किसके, मनु के अंत में। 71 महायुगों के जो कालखंड है जिसको मनु का अंतर कह रहे हैं, उस मनवंतर के अंत में 4800 दिव्य वर्ष यानी कृतयुग के बराबर का एक संधि बतलाया गया है। और वह संधि, उस संधि का लक्षण क्या है, संधि ही प्रोक्ता जलप्लवः, तो उस समय में सब जलप्लव हो जाता है यानी सब कुछ पानी पानी हो जाएगा, यानी सब कुछ पानी के अंदर हो जाएगा। ये है 18वां श्लोक। अब उसके बाद आचार्य बता रहे हैं, मनु का अंतर बताने के बाद कह रहे हैं, ससंधयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दशा, ससंधयः अर्थात संधि सहिता, माने संधि के साथ वे कितने होंगे मनु, एक कल्प में 14 होंगे। ससंधयस्ते, ससंधयः ते मनवः कल्पे चतुर्दश ज्ञेयाः, 14 होंगे। फिर कृत प्रमाण कल्पादौ संधि पंचदश स्मृतः, तो उस कल्प में जिस कल्प की बात, 14 मनु होंगे एक कल्प में करके जिस कल्प की बात कर रहे हैं, जिस कल्प में हम वे मनु संधियों के साथ बता रहे हैं, वहां पर कृत प्रमाण कल्पादौ संधि, कल्प के प्रारंभ में, कल्प के शुरुआत में कृत प्रमाण का एक और संधि होगा। तो 14 मनु के बाद एक एक संधि आया तो 14 संधि, और कल्प के प्रारंभ में एक संधि आया तो संधि कितने हुए, 15 हुए, यही आचार्य बता रहे हैं। ससंधयस्ते मनवः कल्पे ज्ञेयाश्चतुर्दश
कृतप्रमाणः कल्पादौ संधिः पञ्चदशः स्मृतः। ये बात हो गई। एक तरफ से आचार्य मनु का समय कितना होता है बताया, और एक तरफ से आचार्य कितने कुल मनु होते हैं बताया, और एक तरफ से आचार्य उन मनुओं के साथ 4800 दिव्य वर्षों के कितने संधि होते हैं ये बताया। तो कुल मिला के 14 मनु 15 संधियों से आचार्य एक कालखंड बताया। तो ये कालखंड क्या है? कल्प। अब साधारण से गणित भी यदि हम करते हैं, मनु कितने हुए? 14। उनके लिए महायुग कितने लगे? 71। और 71 × 14 कर देंगे तो कितने आएंगे महायुग? 994। 71 × 14 994। फिर उसके बाद 4800 दिव्य वर्षों के कितने संधि हैं? 15 संधि हैं। अब 15 × 4800 करेंगे तो वो 72, वो क्या आएगा? 72,000 आएगा, यानी 72,000 दिव्य वर्षों का, 72,000 दिव्य वर्षों का वह कालखंड है। तो 12,000 दिव्य वर्ष एक महायुग होता है, तो 72,000 दिव्य वर्षों में कितने महायुग हैं? 6 महायुग हैं। यानी उन 994 में यदि हम 6 महायुग जोड़ देते हैं तो कुल मिला के कितना हुआ? 1,000 महायुग। यानी कल्प में 14 मनु उनके 15 संधि, कुल मिलाकर 1,000 महायुग का वह प्रमाण हुआ कल्प का। यही बात आचार्य जी अगले श्लोक में बता रहे हैं। इत्थम, इस प्रकार से, इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारकः कल्पः। इत्थम युग सहस्रेण, इस प्रकार 1,000 महायुगों से भूत संहार कारकः कल्पः। भूत संहार कारक कल्प हैं, वही कल्प क्या है? ब्राह्मम अहः प्रोक्तः। ब्राह्मम ब्रह्म संबंधी, वह ब्रह्म संबंधी अहः प्रोक्तः। अहः दिन, यानी ये ब्रह्मा जी का दिन हुआ एक कल्प। इत्थम युग सहस्रेण भूत संहार कारकः ब्राह्मम कल्पमहः प्रोक्तः। अंत में क्या कह रहे हैं? शर्वरी तस्य तावती, तस्य तस्य यानी उस ब्रह्मा का, ब्रह्मणः शर्वरी यानी रात्रि कितनी होगी? तावती, उतनी ही होगी, यानी जितने का दिन है उतने का ही रात्रि होगी। यानी ब्रह्मा जी का मान कितना हो गया? 1,000 महायुगों का दिन जो एक कल्प है, और 1,000 महायुगों की रात्रि जो एक कल्प हो गया। इन सभी का व्यवहार हम प्रतिदिन करते हैं, दैनंदिन करते हैं, किंतु इसका जड़ कहां पर है हम उस पर विचार नहीं कर पाते हैं। जैसे हम कहते हैं वैवस्वतमन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे, इस तरीके के जब संकल्प में बात करते हैं तो वहां पर 28वें महायुगे ये भी बात करते हैं, यानी एक मनु के अंदर जो 71 महायुग हैं वहां पर 27 महायुग बीत गए हैं करके, ये पूरी बातें, ये पूरे आंकड़ा धीरे धीरे आगे आ जाएंगे। अब हम 18, 19, 20 इन तीन श्लोकों को देखने के बाद मनु का क्या प्रमाण होता है उस पर विचार करने के बाद, मनु के इस प्रमाण से कल्प कैसे बनता है इस चीज को जानने के बाद, कल्प के अंतर्गत 1,000 महायुग का जो मान आया उस मान से ब्रह्मा जी का क्या तालुकात है, संबंध है, इसके विचार करने के बाद हम इस प्रक्रिया को इस 20वें श्लोक में एक बार रोक के हम वापस चलते हैं शुरुआत पे। यहां आवश्यकता है हमें शास्त्र के अध्ययन करते वक्त, क्योंकि हम उस प्रकार के शास्त्र का अध्ययन करने जा रहे हैं, उस प्रकार के शास्त्र का एक ग्रंथ को लिए हुए हैं हम सूर्य सिद्धांत, जिसके ऊपर 40 से अधिक व्याख्याएं आई हैं। और इस ग्रंथ की खासियत क्या है, यहाँ के जो अनुष्टुप जो श्लोक हैं इनकी खासियत क्या है
कि हम जब जब श्लोक को दोबारा पढ़ते हैं, जब जब हम श्लोक पे पहुंचते हैं, तब तब हम वहां पर पहचानते हैं कि एक नया पद, एक नया अर्थ, एक नया आयाम। इसलिए हमें आवश्यकता है 20 श्लोकों पर चर्चा करने के बाद हमें एक बार वापस चलने की आवश्यकता है। यहाँ हम एक सोपान अपनाएंगे, वह सोपान क्या है? पद ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, वाक्य ज्ञान, वाक्यार्थ ज्ञान, प्रक्रिया ज्ञान। यानी यहां पर क्या होगा, एक श्लोक में हम पहले पद को पहचाने, फिर उस पद के अर्थ को पहचाने, फिर उन पदों से उत्पन्न होने वाले वाक्य के अर्थ को पहचाने, और फिर उन वाक्यों के अर्थ का समावेश हम प्रक्रिया में करें। तो ये 4 सोपान होंगे। इसके बाद हम पूर्ण रूप से विषय में स्वयं से चिंतन करने के सक्षम हो जाएंगे। फिलहाल हम पद पर ध्यान देते हैं, और उसके लिए एक प्रारंभिक श्लोक को ही लेते हैं, बहुत गहराई से नहीं जाते हुए। प्रारंभिक श्लोक क्या था? अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। जैसे अचिंत्याव्यक्त रूपाय, ये एक हुआ यहां समस्त पद। अचिंत्याव्यक्त रूपाय पुनः निर्गुणाय गुणात्मने, यहां अचिंत्याव्यक्त रूपाय एक पद हुआ, निर्गुणाय दूसरा पद हुआ, गुणात्मने तीसरा हुआ। पुनः समस्त जगदाधार मूर्तये, एक ही पद हुआ। फिर आगे ब्रह्मणे, फिर नमः। अब यहां पर आचार्य जी क्या कर रहे हैं? नमः। यहां आचार्य जी क्या कर रहे हैं? अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। नमस्कार किनको कर रहे हैं? ब्रह्मा जी को कर रहे हैं। सभी में आप ध्यान से देखिए, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। ब्रह्मणे नमः, किस प्रकार के ब्रह्मा को नमस्कार कर रहे हैं? अचिंत्याव्यक्त रूपाय, अचिंत्य और अव्यक्त जो रूप है जिनका, उस प्रकार के ब्रह्मा को नमस्कार कर रहे हैं। यानी अचिंत्याव्यक्त रूपाय, अचिंत्यम अव्यक्तम च रूपम यस्मै तस्मै ब्रह्मणे। फिर आगे निर्गुणाय, निर्गुण ब्रह्मा, निर्गुणाय ब्रह्मणे नमः। फिर आगे गुणात्मने ब्रह्मणे नमः, गुण को आत्म के रूप में जिन्होंने रखे हुए हैं उस प्रकार के ब्रह्मा को नमस्कार है। फिर किस प्रकार का ब्रह्मा? समस्त जगदाधार मूर्तये, समस्त जगत आधार मूर्तये। यानी ये जो समस्त जगत है उसकी जो आधार मूर्ति है उस प्रकार के ब्रह्मा जी को नमः, नमस्कार कर रहे हैं आचार्य जी। ये मंगलाचरण है। इस श्लोक में हम वापस इसलिए आए हैं, इसकी गहराई तो बहुत है, केवल हम इस समय में पद ज्ञान हुआ 1 2 3 4 5 6 पद हैं। पदार्थ ज्ञान, इस पद का अर्थ क्या है? तो फिलहाल हम पद के अर्थ के गहराई में नहीं जा रहे हैं। अचिंत्य और अव्यक्त जो रूप है ब्रह्मा जी का, जो निर्गुण है ब्रह्मा जी, उनके लिए जो गुणात्मा आत्मा गुण को ही आत्मा के रूप में जो धारण किए हुए हैं उनको, उस प्रकार के ब्रह्मा को जो समस्त जगत का जो आधार मूर्ति है, उस ब्रह्मा को नमस्कार कर रहे हैं आचार्य जी। अचिंत्याव्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। फिर अगली भाग में जो बचे 19 श्लोक हैं
उनको क्रमशः इसी प्रकार हम पद पर ध्यान देते हुए चलते हैं। फिर मिलते हैं आपके अगले भाग में।